Good morning, friends. Welcome back to my channel, Management Mantra. I am Dr. Vatka Gupta, and as you all know that we are running through one series, that is the Workmen Compensation Act 1923. So, इसके काफी सारे parts हम already run कर चुके हैं. आज इसकी last slide है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इसके कुछ topic, that is penalty, commissioner, appeal, and power of the state government to make rule. ये हैं आपके section 18A, section 20, section 30 and section 34. इसका प्रीवियस का सारा मैटर मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने उसे मिस किया है तो आप एक बार मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ आपको इसके सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे. बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, पेनल्टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टी? हम सभी इस वर्ड से वाकिफ हैं, हम सभी जानते हैं पेनल्टीज क्या हो सकता है. कोई भी अगर गलत काम किया जाता है, उसके एवज में जो आपको पनिशमेंट मिलती है, वो पनिशमेंट यहाँ पर पेनल्टी है. वो पनिशमेंट यहाँ पर पेनल्टी है. तो जो सेक्शन 18A है कंपनसेशन एक्ट 1923 का, वो बेसिकली इसी पेनल्टीज के बारे में डिस्कस कर रहा है. तो इनका कहना है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंडेटरी होती हैं, और अगर वो मैंडेटरी चीज़ें किसी ने नहीं की हैं तो इन दैट केस दे हैव टू फेस पेनल्टीज. उन्हें पेनल्टी को फेस करना पड़ेगा, उनके ऊपर पेनल्टी पोज होगी जिसे उन्हें भरना पड़ता है. ठीक है, तो अब ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं. तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आ रही है, नंबर वन, फेल्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड, फेल्स टू मेंटेन अ नोटिस बुक विच ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर द सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10. आपको भी पता होगा कि जो फैटल एक्सीडेंट के केसेस होते हैं वो हमने देखे थे, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ केसेस और भी थे जिनको रिकॉर्ड करना रिक्वायर्ड हो जाता है. क्योंकि कंपनसेशन में जो नोटिस बुक है वो बेसिकली इसी चीज को लेकर है कि जिस एम्प्लॉयज के साथ कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको वो वहां पर नोटिंग करे. ठीक है, तो इस तरह की कोई भी चीज जो उसे नोटिंग करनी है, उसके लिए वो क्या करता है, नोटिस बुक तैयार करता है. लेकिन अगर वो ये नहीं करता है, अगर वो इस चीज को मेंटेन करके नहीं रखता है, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी पोज हो सकती है. सेकेंड वही है आपका कि फेल टू सेंड टू कमिश्नर अ स्टेटमेंट. आपको भी पता है जो फैटल एक्सीडेंट का केस था, जो सेक्शन 10A हम जिसे कहते हैं, तो उसमें था कि कमिश्नर को एक स्टेटमेंट भेजना पड़ता है, और कुछ विद इन अ टाइम पीरियड में भेजना पड़ता है एम्प्लॉयर को. 30 डेज के अंदर ही स्टेटमेंट भेजना पड़ता है कभी भी कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है. तो उस केस में अगर वो स्टेटमेंट नहीं सेंड करता है, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी पोज हो सकती है. किसके ऊपर? एम्प्लॉयर के ऊपर. कमिश्नर ने स्टेटमेंट मांगा, कैसे हुआ एक्सीडेंट, क्या हुआ, उसकी फुल डिटेल मांगी है, लेकिन अगर उसने नहीं सेंड की या टाइम पर नहीं सेंड की, तो उस केस में पेनल्टी हो सकती है. नेक्स्ट है आपका फेल टू सेंड अ रिपोर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू सेंड अंडर द सेक्शन 10B. अब ये भी फैटल एक्सीडेंट वाला ही है कि 10B में आपका क्या हो रहा था कि जो एम्प्लॉयर है वो खुद रिपोर्ट तैयार करता है, ही नोज अबाउट द एक्सीडेंट, वो रिपोर्ट तैयार करता है और कमिश्नर को भेजता है. ठीक है, तो लेकिन अगर वो रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाता है और कमिश्नर को वो नहीं भेजता है, वो भी रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में, तो उस केस में भी उसके ऊपर पेनल्टी पोज हो सकती है. ये तीन केसेस. देन नेक्स्ट वन इज फेल टू मेक अ रिटर्न विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ अंडर द सेक्शन 16. हमने इसे प्रीवियस स्लाइड में सेक्शन 16 पढ़ा हुआ है, रिटर्न एज टू कंपनसेशन, जिसमें जितनी भी इंजुरीज हुई हैं और जहां जहां भी कंपनसेशन दिया हुआ है, उस सारी चीजों को यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ता है, और फिर उसका हमें स्टेट गवर्नमेंट जो पूरा नोटिफाई करती है इसके रिगार्डिंग, और फिर हमें उसके लिए क्या देना पड़ता है, रिटर्न जो है, दैट मीन्स की सारी जो डिटेल है वो गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है. तो अगर वो सबमिट नहीं करते हैं, तो इस केस में उसके ऊपर 5000 तक का यहाँ पर पनिशमेंट चार्ज लग सकता है. उसे पेनल्टी 5000 तक की पे करनी पड़ सकती है. ठीक है, एम्प्लॉयर को, अगर वो इस तरह का कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता है, मतलब अपना रिटर्न अगर वो सेंड नहीं करता है, तो ये कुछ पेनल्टीज हैं जो उन्हें पे पोस्ट करनी पड़ सकती हैं. बाकी एक अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, जिसमें क्या था कि पहले जो लाइक मिनिमम आपका जो पेनल्टी है, जैसे पहले जो थी ये यहाँ पर आपको 5000 बताई गई ना, कि अगर इस तरह का कोई भी एक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह का कोई भी एक्ट, चाहे वो हमने जो ए में पढ़ा, बी में पढ़ा, सी में पढ़ा, डी में पढ़ा, कोई भी एक्ट अगर हो रहा है, तो 5000 तक की पेनल्टी थी. बट अमेंडमेंट आ चुका है 2017 में, उस केस में मिनिमम पेनल्टी तो है आपकी 50,000 रुपये, एंड मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो है आपकी 1 लाख रुपीज. मतलब पेनल्टी एक्सटेंड होकर आपकी 15,000 to 1 लाख तक की हो सकती है, जिसमें मिनिमम 50,000 तो है ही है, अब 5000 नहीं है. प्रीवियसली 5000 थी,
बट नाउ इट्स 50,000, ठीक है? तो दिस इज रिलेटेड टू द पेनल्टीज. नाउ सेकंड वन इज कमिश्नर सेक्शन 20. हमें पता है हु इज कमिश्नर. कमिश्नर टर्म ही रिलेटेड है कंपनसेशन से. दैट मीन्स कि ये सारी जो डिटेल है कमिश्नर की वो आपको कंपनसेशन में मिलेगी. इसका जो मेन टास्क होता है वो कंपनसेशन से रिलेटेड ही होता है. यही वो पर्सन है जो डिसाइड करता है कि जिस पर्सन ने अपने आप को लाइक नोटिस दिया हुआ है कि उसको क्लेम चाहिए, तो वो क्लेम के लिए हकदार है या नहीं है. उसकी पूरी जांच पड़ताल करने का काम जो होता है वो कमिश्नर का ही होता है. तो ही इज अ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है? तो इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है. और ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑफिशियल गजट्स में बकायदा नोटिफिकेशन देगी और उसके बाद इसे लाइक अपॉइंट करती है. और इसके जो भी जब इसे अपॉइंट किया ना करना पड़ता है, तो उस टाइम पर जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है या जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है इस पर्सन के इस पोजीशन के लिए, वो सब ऑफिशियल गजट में मौजूद होती है, ठीक है? और ये यहाँ पर अपॉइंट करती है कमिश्नर को. और ऐसा नहीं है कि ये जो कमिश्नर अपॉइंट करते हैं वो एक ही कमिश्नर रखें, समटाइम्स दो भी रख सकते हैं. डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर कि उस समय क्या डिमांड है कमिश्नर की, ठीक है? तो यहाँ बताया गया है एनी कमिश्नर मे फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी मैटर रिफर टू हिम फॉर द डिसीजन अंडर द एक्ट, अंडर दिस एक्ट चूज वन और मोर पर्सन्स प्रोसेसिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ एनी मैटर रिलेविंग टू द मैटर्स अंडर द इंक्वायरी टू असिस्ट हिम इन होल्डिंग एट द इंक्वायरी. यहाँ पर जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग और वहाँ उसका डिसीजन लेना इजी हो जाता है, उस पर्सन को चूज किया जाता है उस इंक्वायरी के लिए. उसको यहाँ पर होल्ड किया, होल्ड करवाई जाती है वो पोजीशन, जिससे वो मैटर को सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है? बेसिकली ये किस लिए है? कंपनसेशन से रिलेटेड मैटर के लिए. ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? देन जो भी कमिश्नर होता है वो कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट होगा. और इंडियन पेनल कोड की मीनिंग के अकॉर्डिंग जो पब्लिक सर्वेंट है वो यहाँ पर होगा, ठीक है ना? इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग जो पब्लिक सर्वेंट है वो यहाँ पर जो होगा वो कमिश्नर होगा. जैसे आपको भी पता है कि जो डील करते हैं लाइक पब्लिक सर्विसेज से जुड़े हुए जो पर्सन्स रहेंगे वही यहाँ पर कमिश्नर का रोल करेंगे. और जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था कि एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो वन या मोर नंबर्स में कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है. डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर और कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर. लेकिन जब दो कमिश्नर्स को रखा जाएगा तो इन दैट केस उनके राइट्स एंड उनके फंक्शंस जो हैं वो स्पेसिफाइड रहेंगे. उनको बताया जाएगा कि किस तरह किस एरिया में उनको काम करना है या क्या जो भी कुछ है, और वो उनके ना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में मेंशन भी रहेगा. मतलब ये दो पर्सन है अगर, तो दोनों की ड्यूटीज जो है वो अलग अलग असाइन रहेंगी और दोनों को उन अलग अलग असाइन ड्यूटीज को ही करना है. एक टास्क के लिए दोनों को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, दोनों को अलग अलग टास्क के लिए अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है? तो दिस इज अबाउट दी कमिश्नर. बाकी इसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब आप पहले से ही जानते भी हैं. हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा भी है कि कमिश्नर का रोल सबसे ज्यादा होता है, चाहे कोई भी केस हो वहां पर. उस केस को पूरा इंक्वायरी करना, उस केस को चेकआउट करना, कंपनसेशन दिलवाना, एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दिलवाना, एम्प्लॉयर से पूरा रिकॉर्ड रखवाना, ये सारा टास्क जो है वो कमिश्नर पूरा करता है, ठीक है? तो इसके अगर रोल्स आपको आता है कि व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ कमिश्नर या बेसिक ड्यूटीज ऑफ कमिश्नर, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका अपील. तो क्वेश्चन इज गाइस, व्हाट इज अपील? अपील क्या हो सकता है? ये आपके सेक्शन 30 में बताया गया है. अगर कोई पर्सन किसी चीज से अगर खुश नहीं है, कहीं कुछ गलत हुआ है, इस तरह की चीजें अगर किसी के माइंड में आती है, तो वो अपील फाइल कर सकता है, ठीक है? तो मतलब वो कोर्ट में अपना केस दे सकता है. तो एन अपील शैल बी लायबल द हाई कोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द कमिश्नर, ठीक है? यहाँ पर कुछ हाई कोर्ट में ऑर्डर्स जाते हैं, उन अपील्स की यहाँ पर बात की जा रही है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपील है जो कि कंपनसेशन आपको लमसम अमाउंट में दिलवाना है उसके रिगार्डिंग अगर है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं. इसके अलावा कोई जो पेनल्टी के रिगार्डिंग अगर कोई यहाँ पर अपील है, जैसे अवार्ड किया गया है, ऑर्डर निकला है जिसमें आपको पेनल्टी पोस्ट की गई है, तो उसके रिगार्डिंग अगर है तो आप वहाँ पर अपील कर सकते हैं. या फिर अगर किसी की हाफ मंथली पेमेंट जो है वो उसे रिडम्पशन करना है या रिफ्यूज कराना है, किसी भी तरह का कोई केस है उस केस में अपील की जा सकती है. या फिर जो कंपनसेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो उसमें जो डिपेंडेंट है या जो डिसीज वर्कमैन है उसको अलाउ करना है या नहीं है, या फिर लाइक इस तरह का कोई भी अगर केस होता है तो उसमें अपील पोस्ट की जा सकती है.
लाइक जो क्लेम है उस क्लेम के लिए जो ऑर्डर असाइन होना है, तो वो क्लेम का अमाउंट जो है वो देना है या नहीं देना है, या उतना ही अमाउंट जितना बोला है उसके रिगार्डिंग अगर कोई केस आता है तो वो भी यहाँ पर देखा जाता है, हाई कोर्ट में देखा जाता है। तो इस तरह से जो केसेस आ रहे हैं वो यहाँ पर देखे जाएंगे। इसके अलावा जो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द अपील अंडर द सेक्शन शेल बी 60 डेज, जो अपील है आपकी वो 60 डेज के अंदर ही अंदर होनी चाहिए। जब भी आपको पता चला है आपके किसी भी कंपनसेशन आपको कितना मिलना है उसके बारे में, या कोई भी अगर जिसके अकॉर्डिंग आपको अपील करनी है, तो वो आपके 60 डेज के अंदर होनी चाहिए जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बाद में। सो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल बी एप्लीकेबल टू अपील अंडर दिस सेक्शन। यहाँ पर आपका जो लाइक जो प्रोविजन है यहाँ पर, उसमें लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है वो भी यहाँ पर आपका एप्लीकेबल होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल, सेक्शन 34। इसमें सिर्फ एक सिंपल सी बात आपको बतानी है, गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास पावर है कि वो चाहे कंपनसेशन से रिलेटेड कोई भी अगर रूल है तो वो उस रूल को बना भी सकती है, कुछ रूल्स को चेंज भी कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, वट एवर आप जो कह सकते हैं। तो ये सारे टास्क करने का काम जो होता है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो इसकी ही पावर होती है कि जो उसे रूल्स बनाने हैं, उसे चेंज करना है, क्या रूल्स फॉलो कराने हैं, क्या नहीं कराने हैं, इट्स टोटली अप टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनसेशन एक्ट। तो अब भी यहाँ पर हमारा कंपनसेशन एक्ट हम खत्म कर रहे हैं, जो भी बेसिक थे वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुकी हूँ। थैंक यू। आप प्रीवियस स्लाइड्स देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी और भी डिटेल्स मिलेगी। आपको फैक्ट्री एक्ट भी ऑलरेडी मौजूद है, बाकी आप एचआरएम से बिलोंग करते हैं तो एचआरएम के भी वीडियोस उसमें दिए हुए हैं। आप एक बार चैनल पर जाइए और जो भी आपके वीडियोस आप चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, और जो आप न्यू वीडियोस चाहते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।